हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन है, तो मोटो G34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में बैकग्राउंड रनिंग एप्स हैं, तो बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ कैसे कर सकते हैं मोटो G34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और बैकग्राउंड रनिंग एप्स को आप कैसे बंद कर सकते हैं मोटो G34 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ कैसे कर सकते हैं और बैकग्राउंड रनिंग एप्स को आप कैसे बंद कर सकते हैं मोटो G34 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ कैसे करें और कैसे बंद कर सकते हैं बैकग्राउंड रनिंग एप्स को, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो भी बैकग्राउंड रनिंग एप्स हैं, तो बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ कैसे करेंगे, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से अबाउट फ़ोन पे जाना होगा। अबाउट फ़ोन पे जाकर वर्जन पे जाकर बिल्ड नंबर्स को ओपन कर लेना है, डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना है, बैक करना है, सिस्टम सेटिंग्स पे चले जाना है। सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर जो भी आपके फ़ोन में बैकग्राउंड रनिंग एप्स हैं उनको ऑफ कर सकते हैं। स्लाइड करना है, स्लाइड करते ही जो भी बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप जैसे बैकग्राउंड प्रोसेस को यहाँ से ऑफ करना चाहें तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस को भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस है आपके फ़ोन में ऑफ हो जाएगा और इसका आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। डोंट कीप एक्टिविटीज़ को भी ऑफ कर सकते हैं और इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ कर सकते हैं मोटो G34 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।